Hi guys. Hello guys. Welcome back to another episode of Indorii Chatore. तो यार पिछला वीडियो ठीक था, अच्छा था, बढ़िया था, व्यूज थोड़े से कम लगे, पर ठीक है चलता है। पिछली बात थी, अब बाकी तक आगे बताओ। आज हम जहाँ आए हैं वो तो मतलब क्या बताए, एकदम देसी चीज, मतलब हर बच्चा उसको पसंद करता है, बच्चा बड़ा पसंद करता है, और हर गली में आपको एक दुकान तो मिली जाएगी उसकी। और मतलब शादी पार्टी में सबसे पहले हम वहीं कूद पड़ते हैं, मतलब मैंने नोटिस किया। क्या मतलब, ये भी मैं भी खाता हूँ। तो गाइस आज हम लोग आए हैं शिवा चाइनीज वॉक। शिवा चाइनीज वॉक एक प्रीमियम किस चीज का अपना चाइनीज का आउटलेट है, जहाँ पर आपको हंड्रेड्स ऑफ वैरायटीज ऑफ चाइनीज मिलेगा और एकदम हाइजीनिक, मतलब आपको बताएंगे अभी, बट हाइजीनिक। और चार आउटलेट है, कितने आउटलेट? तीन आउटलेट है इंदौर में टोटल। तो मजा आने वाला है आज के इस ब्लॉग में, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और बैक कैमरे से बताते हैं शिवा चाइनीज वॉक। सो गाइस ये है शिवा चाइनीज वॉक, प्योर वेजिटेरियन, मतलब जो भी चाइनीज चीज़ें यहाँ पे मिलती है, जो भी चाइनीज डिशेज यहाँ पे मिलती है, एकदम प्योर वेजिटेरियन रहती है। और यहाँ पर तीन आउटलेट्स है इसकी। आज अभी हम जहाँ खड़े हैं ये है साकेत, फिर दूसरी आउटलेट है साउथ दुबुगंज और तीसरी है पास में बंगाली ऐसा। सो गाइस तो तन्मय यहाँ पे तुम पहले आए हुए हो शायद? यहाँ पर मैं तो बहुत बार आया हूँ, बट ब्लॉग करने पहली बार आया है। तो कुछ टेस्ट अभी पहले से प्रेडिक्शन की कैसा क्या है? नहीं भाई, अच्छी जगह ही जाते हैं गाइस। जैसे कि हमने बोला था आज हम आए शिवा चाइनीज वॉक और हमारा सबसे पहला ऑर्डर है स्मोकी नूडल्स। मतलब स्मोकी नूडल्स आपने कभी कहीं नहीं सुना होगा जहाँ तक मुझे पता है इंदौर में। तो आते हैं, ऑर्डर देते हैं और आपको खा के बताते हैं कैसा है। चले फिर क्या हूँ कहना हूँ, चलो तन्मय भी आगे चलो। और क्या फिर
गाइस जो हमारी पहले टेस्टी स्मोकी नूडल्स उसको तो हमने रिव्यू दे दिया है 4.5 आउट ऑफ 5। अब है हमारा पनीर ब्लैक पेपर, मतलब पनीर 65, चिली पनीर, पनीर क्रिस्पी, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होगी बट पनीर ब्लैक पेपर कभी नहीं सुना होगा। तो इस पनीर ब्लैक पेपर ट्राई करके देखते हैं, उसके बाद मीर टेस्ट करेंगे, बताएंगे मीर। हमारे फूड एक्सपर्ट तो भैया मीर ही है। अरे अरे तन में भी ऐसी क्या बात करो, वैसे दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। क्या हो गया भैया एकदम ऐसा? ऐसा मतलब ट्राई करना बनता है? बिल्कुल बनता ही है। रेटिंग देना चाहोगे? रेटिंग देना चाहेंगे हम, पहले आप टेस्ट करिए उसके साथ में रेटिंग देंगे। चलिए ठीक है, एक बार और आप देख लीजिए कैसा दिख रहा है ऊपर से, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, सारे व्यू आपको दिलाते हैं अभी। तो यार गाइस जैसे अभी तक मैंने टेस्ट करा था, मैं टेस्ट करके बताना चाहूँगा मेरे को कैसा लगा था, या लगा है या लगेगा। नाम है इसका पनीर ब्लैक पेपर, मतलब ब्लैक पेपर तो इसमें भर भर के डला है, नमक बहुत है। अब ड्रॉबैक में ये बोलना चाहूँगा, जैसे मेरे को सादा पनीर नहीं पसंद है, मैं पनीर मतलब इतना पनीर पसंद नहीं करता। अब मैं खाऊंगा इसमें तो मेरे को सिर्फ पनीर का टेस्ट आ रहा है और ब्लैक पेपर का टेस्ट आ रहा है, इसके अलावा इसमें और कुछ ऐसा नहीं है। टेस्ट उसका बहुत अच्छा, मतलब ग्रुप के टेस्ट आ रहा है, पर मेरे हिसाब से ये मतलब आप ऐसा कहना चाहते हैं जिसको एकदम सिंपल पनीर पसंद है उनको बहुत अच्छा लगेगा ये? हाँ, इसमें और कुछ भी नहीं है, पनीर ब्लैक पेपर और नमक बाकी। पर्टिकुलर इस डिश के लिए रेटिंग जो है वो 5 में से 4। अच्छा क्या या तो भैया जैसे अभी अपन ने दो चीज़ें खाई थी, क्या क्या थी तन में बताओ तो जरा। स्मोकी नूडल्स एंड पनीर ब्लैक पेपर, नाम याद नहीं रहते तुमको आजकल? वो सब तो ठीक है पर व्हाइट सॉस पास्ता क्या कुछ समझ में नहीं आता है। ओ कैसा लग रहा है? वाओ वाओ ये खाने के बाद लगता है कि भैया कुछ खाया है, मतलब छा के भी पास्ता खाए सबका टेस्ट सेम ही होता है। सेम है मतलब बहुत अच्छा है, डिफरेंट है मतलब थोड़ा सा खराब लगता है, पर व्हाइट सॉस पास्ता जहाँ भी खाओगे सबका टेस्ट सेम आएगा, यहाँ का भी एकदम वैसा है जैसा मैंने सोचा था। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, दो मिनट तन में इधर करोगे हमारा, तन में को चीज़ नहीं पसंद है। क्यों तन में? हाँ यार बिल्कुल नहीं पसंद। और इसमें चीज़ तो ऐसा मतलब भर भर के है। हाँ तुम खाओ पूरा बस, भर के नहीं तुमको भी खिलाएंगे। नहीं नहीं बस खाओ, हमको नहीं खाना। ये आ गया देखो यहाँ पे, आप तो नहीं खाते ना भैया? यार YouTube के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो अब चलो टेस्ट करके बताई दो फिर यार कि कैसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल मीर बोल रहा था नीचे चीज नहीं है तो नीचे का लेता हूँ ना। कैसा लग रहा? चीकू भैया क्या बोलूँ मैं? क्या बोलोगे बताओ? मतलब बहुत टेस्टी, यमी, चीज़ी, क्या बोले यार, वाइट सॉसी। मैंने तो पहली बार इतना चीज खाया है, बाकी ये पूरा मीर कंप्लीट करेगा। गिव अप कर दिया तुमने इतनी जल्दी? मुझसे नहीं हो पाता भाई चीज पर, YouTube के लिए जस्ट फॉर अ YouTube, जस्ट एज अ यूट्यूबर, जस्ट एज अ क्रिएटर मैंने एक चीज टेस्ट करी है, मतलब है अच्छी बट अपने को नहीं पसंद। चलो ठीक है फिर ख़त्म करते हैं, फिर एंडिंग शूट करेंगे। खा लो एक हाथ चम्मच और। जैसे अभी अपन ने खाया था स्मोकी नूडल्स, ब्लैक पनीर पेपर, पनीर ब्लैक पेपर और वाइट सॉस पास्ता। तो अब जो यहाँ पे भैया थे उनसे थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं कि कैसा है उनका। तो भैया बताया मतलब कि कितने आउटलेट्स हैं? सबसे पहले तो कितने आउटलेट्स हैं? चार आउटलेट जैसे मैंने तन में तुमको बताया था, चारों कहाँ का एक बार? तो तिलक नगर में, तिलक नगर मंगल स्क्वायर से आगे कैनेडियन रोड में, मंगल स्क्वायर साके रोड में, और दूसरा है आरएनटी मार्ग जो सिल्वर सेंचुरी। अच्छा आरएनटी पे है। तो अब अगला आपका क्या एक्सपीरियंस शिवा चाइनीज से भी यार, मतलब आप यहाँ काम करें तो आपको कैसा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ का जो रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा है। तो कब से स्टार्ट हुआ है कुछ आइडिया?
चाइनीज सर्व कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा बेस्ट चाइनीज तो इंदौर का मिल रहा है, तो यार अगर नहीं आए हो तो एक बार आओ टेस्ट करो। शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके टाइम। तो भाई जैसे कि हमने अभी विक्रम भैया से बात करी, तो यहाँ पर एक ग्रुप दिखा था। हेलो गाइस, इंटरव्यू लेते हैं इनका और इनसे पूछते हैं कि भैया टेस्ट कैसा लगता है शिवा चाइनीज। तो सबसे पहले मतलब जो रेगुलरली आते हैं सबसे पहले उनसे पूछते हैं। आपको कैसा लगता है टेस्ट? तो सबसे अच्छी टेस्ट जो यहाँ की लगती है वो स्मोकी नूडल्स है। अरे वही ऑर्डर करा है हमने, वही ट्राई करा हमने, वही अभी ऑर्डर करा है यहाँ पे। और यहाँ का मंचूरियन और पास्ता भी बहुत अच्छा, पास्ता भी अच्छा, पास्ता मैंने खाया। और आप लोग, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है सर? मैं फर्स्ट टाइमर हूँ, बट मैं चाइनीज का सुपर हार्ड फैन हूँ। मैं बहुत अच्छी अच्छी जगह चाइनीज खा चुका हूँ और यहाँ पे आज टेस्ट करने आया हूँ। होपफुली इन लोगों के एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि मैम आपका एक्सपीरियंस? या माइन वाज प्रीटी ओके, आई हैड मंचूरियन विद नूडल्स, तो ड्राई मंचूरियन नूडल्स, तो दे वर प्रीटी ड्राई बट दे वर गुड। स्मोकी नूडल्स मैंने फर्स्ट टाइम खाई, तो ऑन हिज सजेशन लेट्स सी हाउ इट इज। आई बहुत हाईली रिकमेंडेड है आज की स्मोकी नूडल्स के लिए आज हम लाइक हम भी जब एंटर हुए तो सबसे पहले हमने देखा स्मोकी नूडल्स है ना। या थ्री रिकमेंडेड, सो वी आर हैविंग स्मोकी नूडल्स। मैम व्हाट अबाउट योर व्यूज? देखते देखते जाने का टाइम आ गया फिर से यार, जाना तो पड़ेगा, घर जाना है। पेट बढ़िया चकाचक भर गया है, मज़ा आया, लकार भी आ गई। वीडियो अच्छा बना हो तो लाइक कर देना, बुरा बना हो तो डिसलाइक कर देना, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए हमारे वीडियोस में तो प्लीज कमेंट करो यार। जब तक आप लोग नहीं बताओ जब तक हमको समझ में नहीं आएगा, हम बनाते रहेंगे आप देखते रहोगे, पर जब तक बताओ धन्य थोड़ा सा यार, समझ क्या यार। अच्छे सब्सक्राइबर्स है, अच्छे सब्सक्राइबर्स है। अच्छा ये वीडियो जब तक अपलोड हो रहा है तब तक हमारे 550 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं। हाँ तो भैया कांग्रेचुलेशन तन्मय भी, आपको भी बहुत बहुत टीम इंदौरी चटोरे जो आप लोग हैं सब, आपको कांग्रेचुलेशन, आप सबका सपोर्ट इतना बना हुआ है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब कुछ कर दो, बस कर दो। यहाँ पर नीचे बटन होगा, दबाओ यार। गाड़ी वाले मिले जाना, और इस बार एम करते हैं वीडियो पे 200 भी, 350 भी, 375 भी। डन, फाइनल डन। चलो गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगला ब्लॉग अगर हुआ तो वापस से हम कहते हैं कुछ अच्छा स्पेशल जमाने का रहता है अपना आएगा। होपफुली प्रे करो सब्सक्राइबर्स। चलो बाय बाय, गुड नाइट। चलो मैं निकलता हूँ।